के दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके। तो आप हेमंत दा को ऊपर रखते हैं अपने? नहीं कभी नहीं। तो फिर कौन हुआ? ओनली मोहम्मद। ओनली मोहम्मद, ओनली मोहम्मद। किशोर मोहम्मद रफी अगर ना होते आई वुड टेक माय स्पेस डेफिनेटली, बिकॉज मोहम्मद रफी एंड मी वी वर टू सिंगर्स हू कुड सिंग एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल टू इवन वो हीरो के गाने, वो विलेन के गाने, वो नौकर के गाने, सब हम गा सकते। मतलब अब आप इसका मतलब आप अपने को नंबर टू मानते हैं? जी हाँ डेफिनेटली। मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। मोहम्मद रफी और मन्ना डे फिल्म संगीत की दुनिया के दो ऐसे महान गायक रहे हैं जिनके गाए गीतों को गाना अन्य गायकों के लिए आसान नहीं है। दुख भरे दिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे गोरी मन की बिना। यहाँ तक कि मन्ना डे खुद कहते थे कि मोहम्मद रफी ने कुछ ऐसे गीत गाए हैं जिनको गाना उनके लिए भी मुश्किल है। एक प्लेबैक आर्टिस्ट जब गाने के लिए यानी चुना जाता है जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर इज द फाइनल अथॉरिटी। वो चुनते हैं कि भाई हमारे इस ढंग के गाने कौन गा सकता है ठीक से। ठीक ठीक। अब उन दिनों में शुरू में रफी साहब और मुझ में ये चॉइस करना जरा मुश्किल हो जाता था किसी को। लेकिन मैं सबसे ये कहता आया हूँ, अभी भी कहता हूँ कि रफी साहब एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे जी। तो उनको जब व्हेन ही इज टू बी गिवन द प्रेफरेंस यू नो आई नेवर माइंडेड नेवर बट इफ इट वाज एनीबॉडी एल्स I would definitely stand my ground, you know. I would even not like it. ये चांद का बदन सोने की नजर उस पर ये नजाकत का गई। दूसरी तरफ मोहम्मद रफी भी कहते थे कि मेरे भाई मन्ना डे सुरों के बादशाह हैं और उन जैसा तो वो खुद कभी गा नहीं सकते। रफी साहब और मन्ना डे साहब अक्सर एक दूसरे की गायकी की तारीफ करते रहते थे। एक मौके पर मोहम्मद रफी ने मन्ना डे के गाए एक गीत को इस तरह से गाया जिसे सुनते हुए मन्ना डे लगातार रोते रहे, और जब गाना खत्म हुआ तब मन्ना डे साहब ने रफी साहब को गले लगा लिया। कौन सा वो गाना है और क्या है वो वाकया, इस वीडियो में मैं आपके दोस्त और होस्ट प्रिया पाठक विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। मन्ना डे और मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक यादगार और सदाबहार गीत गाए हैं। ये दोनों ऐसे अनमोल गायक रहे जिनके सुर और ताल की दुनिया आज भी दीवानी है। और आज भी इन दोनों गायकों के खूबसूरत गाने लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। मजबूर मुझे उसने बुलाया। मन्ना डे ने इतने पेचीदे गाने गाए हैं कि मोहम्मद रफी भी उनके प्रशंसक हो गए थे और उनके गानों की तारीफ किया करते थे। आज धन धन गरजती हुई ये घटाएं किसका सुनाती गीत है। दूसरी तरफ मन्ना डे भी रफी साहब की तारीफ में कहते थे कि दुनिया तो मोहम्मद रफी के गाने सुना करती है, लेकिन इसके जवाब में रफी साहब कहते थे मैं तो मन्ना डे के गीतों को ही सुनता हूँ। इन दोनों महान गायकों ने न केवल फिल्मों में एक साथ कई गीत गाए हैं बल्कि विभिन्न संगीत कार्यक्रमों में भी एक साथ कई गीत गाए हुए हैं। एक बार एक कार्यक्रम में मन्ना डे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर भाग ले रहे थे। उस कार्यक्रम में रफी साहब ने कई गीत गाकर हजारों श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उस कार्यक्रम में अपने गायन का समापन करते हुए रफी साहब ने माइक पर कहा, हाजरीन मैं तो हल्के फुल्के गाने गाता रहता हूँ, यह आपकी मेहरबानी है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, मगर मेरे भाई मन्ना डे साहब क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद है, सुरों के बादशाह है, उन जैसा तो मैं कभी नहीं गा सकूँगा, लेकिन उनका गाया हुआ एक नगमा मन्ना बाबू से इजाज़त लेते हुए मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। आवाज़ की गहराई के साथ, आवाज़ की ऊंचाई और सुरों की पकड़ के साथ जज्बातों को पेश करना बड़ा मुश्किल काम होता है, मगर मन्ना दा ने बड़ी खूबी से और आसानी से यह गीत गाया है।
मैं इस गीत को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद रफ़ी साहब ने बुद्धम शरणम गच्छामि गीत गाया। आपको बता दे कि बुद्धम शरणम गच्छामि गीत को मन्ना डे ने फिल्म अंगुली माल के लिए गाया था। मानव तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि। यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी। इस गीत को भरत व्यास ने लिखा था जबकि संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। उस कार्यक्रम में रफी साहब जितनी देर उस गीत को गाते रहे मन्नाडे साहब की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। गाना समाप्त होने पर जब रफी साहब मंच से उतरे तो मन्नाडे साहब ने उन्हें गले से लगा लिया। उसी कार्यक्रम में जब मन्नाडे अपने गीत प्रस्तुत करने आए तब उन्होंने कहा, मेरे जैसे गाने वाले तो हजारों हैं लेकिन रफ़ी सिर्फ एक ही है। अगर ईश्वर मुझसे पूछे कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है तो मैं यही कहूँगा कि मैं रफ़ी के गाने सुनते हुए मरना चाहता हूँ। रफ़ी साहब, आपने मेरे गीत को और ज़्यादा खूबसूरती से गाकर पेश कर दिया, लेकिन मैं आपके गाए एक गीत को बिगाड़ कर पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जैसा उसे गाया है वैसा कोई भी उसे गा नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी पसंद का यह गीत आज ज़रूर गाना चाहता हूँ। इसके बाद मन्नाडे साहब ने मन रे तू काहे न धीर धरे ये गीत गाकर लोगों पर जादू कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म चित्ररेखा के लिए यह गीत गाया था जो 1964 में रिलीज हुई थी। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और संगीत रोशन साहब ने दिया था। उस कार्यक्रम के दर्शक श्रोता दोनों गायकों के आपसी स्नेह और आदर से गदगद हो गए थे। इस वाक्य का जिक्र उस दौर के प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर और मंच संचालक किशन शर्मा ने मोहम्मद रफ़ी एक फरिश्ता था वो नामक पुस्तक में किया है। इस पुस्तक को धीरेन्द्र जैन ने लिखा है। तो दोस्तों, आप मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी के गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में किसी फिल्म, किसी गीत या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ दी जाएगी। तब तक के लिए प्रिया पाठक का सभी को नमस्कार।